हेलो नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को कर्सिव राइटिंग स्मॉल लेटर ए टू जेड कैसे सिखाना है और इसके लिए कौन कौन से सिंपल पैटर्न्स को पहले प्रैक्टिस करवाना है, उसके बाद किन किन अल्फ़ाबेट्स को सिखाना है, इसके बारे में हम बताएंगे। अब हम स्मॉल लेटर बी लिखने के लिए इस एल पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। एल पैटर्न की बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि पेंसिल को उठाना नहीं है, बिना हाथ उठाए इसे लिखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले ये प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इन फोर लाइन्स की कॉपी में थर्ड लाइन पर डॉट डालेंगे। तो हम इसी पैटर्न को यूज करते हुए हम पहले एल बनाएंगे, फिर राइट साइड से टर्न करते हुए सेकेंड लाइन पर जाकर छोटा सा कर्व, इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ इसको यहाँ से थोड़ा सा ओपन करके और ये कर्व बना देंगे और ये बन जाएगा बी फॉर बॉय। अब हम बच्चों को कर्सिव बी कैसे लिखना है इसके बारे में बताएंगे। तो इसके लिए हम ये कॉपी लेंगे एक कर्सिव राइटिंग की और इसमें पहले से ही डॉट बने होते हैं और जो ब्लैंक है इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड लाइन पे डॉट डालेंगे। दोबारा इस तरीके से हम थर्ड लाइन पे डॉट डालेंगे और फिर इस थर्ड लाइन की डॉट से स्टार्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे फर्स्ट लाइन पर, फिर पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे लाएंगे, फिर सेकंड लाइन पे लाकर थोड़ा सा कर्व बनाएंगे और ये बन गया हमारा बी। फिर थर्ड लाइन के डॉट से शुरू करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर थर्ड लाइन पर लाकर थोड़ा सा घुमाते हुए इसको बी बनाएंगे और ये बन गया बी फॉर बॉय। से थर्ड लाइन से होते हुए फर्स्ट लाइन, देन थर्ड लाइन, फिर कर्व करते हुए बी बन जाएगा। और बिना पेंसिल उठाए हाथ को घुमाते हुए बी बनाना है। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन, फिर नीचे की तरफ, फिर गोल बनाते हुए कर्व बनाना है इस तरीके से। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन कर्व करते हुए बिना हाथ उठाए इसको बी बनाना है इस तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें।